तुम लोग को अभी तक नींद आ रही है? खुशी, हैप्पी बर्थडे टू यू। हमको बाहर जाना है ना, चल सुंदर से तैयार हो जा। वो जो कल जो ड्रेस लाए थे पापा, वो पहन लो। अचानक तू भी एकदम कट्टो तैयार हो जा। इसको भी नन्ना आ रही है, आँख दिखा, आँख लाल हो रही है, नींद आ रही है। जा मुंह धो दोनों पहले, तो नींद जाएगी। और जल्दी फटाफट तैयार हो जा। और बस हम लोग हो चुके हैं तैयार, हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर के लिए। एक्चुअली खुशी का बर्थडे है, और लास्ट टाइम जब सानवी का बर्थडे था ना, तो यहाँ पे मम्मी पापा थे, तो उसका बर्थडे 22 को था, तो 21 की रात में मम्मी ने बोल दिया था कि कल शानू के लिए मैं छोले भटूरे बनाऊँगी, अदरवाइज़ तब भी हमारा प्लान बाहर जाने का ही था। अभी आज खुशी का बर्थडे है, हम लोग यूजुअली बर्थडे के दिन बाहर ही जाते हैं, तो जब से ये हुआ है ना कोविड सिचुएशन, मुझे याद नहीं हम लोगों ने बाहर कभी भी फुल मील, फुल डिनर या लंच टाइप किया हो। थोड़ा बहुत खाते तो ज़रूर है हम लोग बाहर से, बट वो थोड़ा मोड़ा स्नैक स्टार्टर उतना ही होता है, लाइक छोटी मोटी भूख के लिए, बाकी घर वापस आकर खाना बनाती हूँ मैं। तो लास्ट ईयर भी तब तक जब तक सानवी खुशी का बर्थडे था, तो ये कोरोना नहीं आया था, तो मतलब लॉकडाउन नहीं हुआ था, तो हम बाहर ही जाते थे। नहीं, लास्ट ईयर खुशी के बर्थडे पे मम्मी पापा यहाँ थे, सानवी के बर्थडे पे हम लोग बाहर गए थे, और दिस ईयर खुशी के बर्थडे पे हम बाहर जा रहे हैं, सानवी के बर्थडे पे मम्मी पापा यहाँ थे। तो बस मैं सिंपल सा तैयार हो गई हूँ, सानवी खुशी शर्मा जी सब तैयार हो चुके हैं, और मैंने लिपस्टिक नहीं लगाया है क्योंकि मास्क पहनूंगी पहले, और उसके बाद फिर खाना खाएंगे, तो लिपस्टिक का तो कोई मतलब ही नहीं है, वो मास्क में भी ख़राब हो जाएगी, बच्ची कुची खाना खाने में ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं लिपस्टिक नहीं लगा रही हूँ। तो बस अभी हम लोग जाते हैं बाहर, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ का काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है वो, हम लोग वहाँ कितने साल पहले गए थे शर्मा जी? 3-4 साल। नहीं नहीं, तुम ऑफिस से जाते होंगे, बट मैं तो तब गई थी जब हम खुशी नहीं आई थी। हाँ, तो इतने साल बाद हम लोग वहाँ जा रहे हैं आज। वहाँ का खाना थोड़ा सा स्पाइसी होता है, थोड़ा अच्छा होता है, मिर्च मसाला, जो बरोडियंस है उनको पता ही होगा। तो बहुत जगह हम लोगों ने एक्सप्लोर किया, लेकिन आज हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम मिर्च मसाला जाएंगे, थोड़ा अच्छा गुड इंडियन फूड खा कर आते हैं। और अभी तक हम लोगों ने खुशी का केक नहीं लिया है, वहाँ से आते हुए केक लेकर आएंगे, और फिर रात को हम लोग केक कटिंग सेरेमनी करेंगे। और ये जिस रेस्टोरेंट हम लोग गए थे ना, यहाँ पे शर्मा जी के ऑफिस से टीम लंच, टीम डिनर्स ऐसे होते थे ना, तो ये लोग भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यहाँ जाते थे। मतलब जो फॉरेन डेलीगेट्स थे ना, मोस्ट ऑफ देम यूज़ टू लाइक यहाँ का खाना। तो वी थॉट कि आज थोड़ा सा स्पेशल डे तो है ही, लेट्स हैव सम स्पेशल। और आप यहाँ का जो बर्तन है, डेकोर है, सब देखोगे, ये थोड़ा सा ना मतलब ओल्ड स्टाइल है, जैसे गाँव का होता है ना, उस थीम पर ये बनाया हुआ है। जब मैं लास्ट टाइम आई थी तो यहाँ पर दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, वो सब बने हुए थे, बट अभी इन लोगों ने सलमान, रणबीर, ऋतिक रोशन उस तरह से बना दिया सारा ग्रेफिटी। और डिनर हो जाने के बाद घर वापस आते समय शर्मा जी खुशी के लिए केक लेने के लिए रुके थे। ये जो है, ये बेसिकली ये बेकरी नहीं है, ये होटल है, और यहाँ पे आप मतलब बहुत रात तक भी ये खुला रहता है। बेकरीज क्या होता है, कुछ 7 बजे, कुछ 8 बजे तक बंद हो जाते हैं, और वहाँ पे आपको पहले से भी ऑर्डर देना पड़ता है, तो वो आपका केक तैयार करेंगे। यूजुअली इस तरह से होता है, सारे बेकरीज इस तरह से नहीं काम करते, बट ज़्यादातर ऐसा एक्सपीरियंस रहा है हमारा, तो इसलिए तब से हम लोगों ने ये जो होटल है ना, बरोडियंस होटल एक्सप्रेस है ये, यहाँ पर आप रात में भी अगर थोड़ा लेट भी आपका प्लान बना ना, तो आपको केक वगैरह आराम से मिल जाएगा। चलो खुशी का हैप्पी बर्थडे करेंगे। खुशी पीछे वाला कैंडल मत ब्लो करना, आगे वाला कर दे। रुक जा, दादा दादी आ गए। हाँ। दोनों? हाँ, दादा जी आ गए। ठीक है। बड़ी मॉम? बड़ी मॉम कहाँ है? बड़ी मॉम हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you, happy birthday dear Khushi, happy birthday to you। ये तो केक काटना भूल गई थी। bless you,
May God bless you. May God bless you, Kushi. Happy birthday to you. दादाजी ने भी ताली बजाई जोर जोर से. खिला दो दादाजी को, खिला दो पहले. चलो अब तू खा जा. मम्मा खिलाओ मम्मा को. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. बाबू खिला. दीदी को. और ये है नेक्स्ट डे. बस बर्थडे मना के हम लोग फिर सोने चले गए थे क्योंकि खा पी रखा था, कुछ एज सच काम करने को था नहीं. तो नेक्स्ट डे फिर मैं सुबह उठी हूँ, चाय नाश्ता वगैरह बना रही हूँ. बहुत कम कर दिया है हम लोगों ने चाय, मैंने आपको बताया था. बट वंस इन अ वाइल ये वाला जो चाय आप उबलते हुए देख रहे हो ना, ये भी मैंने घर में तो बहुत ही दिनों के बाद बनाया है. इससे पहले दिन बाहर ज़रूर मैंने थोड़ा सा चाय पिया था, वरना अभी चाय बहुत कम हो गया है. और सुबह में थोड़ा सा ना फील आती है कुछ गरम पीने का, तो मैंने यहाँ पे बना लिया शर्मा जी और मेरे लिए चाय. और इसके बाद मैं बनाने लगूँगी ब्रेकफास्ट. और ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ आज एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का पराठा. ये है शक्करकंदी का पराठा. यूजुअली शक्करकंदी को ऐसे ही स्नैक के तौर पे खाया जाता है, बट इसका पराठा भी बहुत अच्छा लगता है. मैंने शक्करकंदी बहुत पहले पानी में भिगो के रख दिया था. इसके ऊपर है ना बहुत ज़्यादा मिट्टी चिपकी होती है, और वो मिट्टी रेतीली नहीं होती है, वो चिकनी मिट्टी होती है, चिपचिपी सी एकदम. तो आप एकदम से इसको धोने लगेंगे तो साफ़ नहीं होता, इसलिए इसको थोड़ी देर पानी में डुबा के ज़रूर रखिए. और उसके बाद घिस घिस के हटा देंगे, तब इसकी मिट्टी सारी हट जाती है. तो मैं सारी शक्करकंदी को इस तरह से साफ़ कर लूँगी पहले. मैं ये शक्करकंदी ना स्टीम करने वाली हूँ, क्योंकि बॉईल करने से इनका जो टेस्ट है ना वो काफ़ी कम हो जाता है. और ये अराउंड 1 किलो शक्करकंदी हैं, तो मैं इनको पूरा ही इस्तेमाल कर रही हूँ. थोड़े को चाट जैसा कर लेंगे और बाकी का मैं पराठा करने वाली हूँ. तो ये शक्करकंदी मैंने बेसिकली एक होम डिलीवरी से मंगाई थी, होम डिलीवरी सर्विस के थ्रू. और आप देख ही सकते हो इनकी हालत, नॉट वेरी हैप्पी. अच्छा, मुझे ना आपसे एक बात जानना है कि जो शक्करकंदी होते हैं ना, वो मोटे मोटे लेने चाहिए कि पतले पतले लेने चाहिए? बिकॉज जहाँ तक मुझे मालूम है, थोड़ा मीडियम जो होती है वो अच्छी रहती है. ऐसी जो फिंगर जैसी होती है वो उतनी अच्छी नहीं होती, वो थोड़ा बल्ब जैसा होता है ना वो शायद अच्छी होती है. देखिए, आई मे बी रॉन्ग, आई एम जस्ट लुकिंग फॉर एन आंसर, प्लीज़ हेल्प मी विद दिस. तो मैं इनको ना स्टीम कर लूँगी. और देखिए किसी का साइज़ कितना है, किसी का साइज़ कितना है. होम डिलीवरी में समटाइम्स ये डिसअपॉइंटमेंट तो होती ही है. और शक्करकंदी आलू से कम वक्त में पक जाती है. वो देखने में लगता है कि बहुत ही हार्ड है, इसको टाइम लगेगा, बट वो बहुत जल्दी से पक जाती है. अराउंड 8 to 10 minutes में मेरे शक्करकंदी अच्छे से स्टीम हो गए थे. स्टीम हो जाने के बाद मैंने इन सभी को साफ़ कर लिया है, छील लिया है. ये बहुत सारे हैं, तो इसमें से मैं थोड़े से अभी काट करके ना चाट जैसा बना लूँगी, और बाकी जो बचे हुए होंगे उसका मैं पराठा करूँगी. शक्करकंदी यानी कि स्वीट पोटैटो. और ये बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होते हैं, टेस्टी तो होते ही हैं, हेल्थ के हिसाब से भी अच्छे रहते हैं, बच्चों को ज़रूर दिया कीजिए. तो चाट मैं बिल्कुल ही सिंपल वाला बना रही हूँ. शक्करकंदी उबालने के बाद, छीलने के बाद काट लिया है मैंने, और इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा हरा धनिया काट कर, एक हरी मिर्ची जो बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है, ये बारीक बारीक काट, बारीक भी नहीं, मैंने थोड़ा मोटा ही काटा है, मेरे ही हिसाब से काटा था मैंने. और थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर, एंड देन नींबू का रस. आप आधा नींबू का रस, एक नींबू का रस, ऑल डिपेंड्स आपको कितना खट्टा पसंद है, कितना ज़्यादा आपका स्वीट पोटैटो है, उस हिसाब से डालिए. चाट कई तरीके से बनती है, ये एकदम ही सिंपलेस्ट वर्जन है, जो बहुत अच्छी भी लगती है, स्पेशली बच्चों को बड़ी पसंद आती है. वो हरी मिर्ची तो नहीं खाएंगे, सिर्फ जो चंक्स हैं वो उठा उठा कर खाएंगे. उसके हिसाब से इसमें बिल्कुल ही बैलेंस नमक मिर्ची खटास एवरीथिंग है. तो
बच्चों को भी अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को पसंद आती है इस तरह से। और ये हो चुकी है एकदम ही फटाफट बन जाने वाली हेल्दी सी टेस्टी सी शक्करकंदी की चाट तैयार। और ये सब खाने पीने के बाद मैं वापस आई हूँ किचन में और अभी पराठा बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। लेट ही चल रहा है हमारा, ऐसा अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अब होता ही नहीं है जब से बच्चों का होम स्कूलिंग शुरू हुआ है। तब वो लोग स्कूल जाते थे ना, तो उस बहाने सुबह में खाना बनता था, तो हम लोग भी बहुत जल्दी से फिर नाश्ता कर लेते थे, शर्मा जी और मैं। उनका लंच बॉक्स पैक करके वो तो चले गए स्कूल और फिर हम दोनों भी फटाफट से नाश्ता करके काम में लग जाते थे। बट अभी होम स्कूलिंग है, मैं सुबह एक दो बार बनाकर भी देखा, कोई उतना पसंद ही नहीं करता, तो थोड़ा लेट ही अब बनता है। तो ये जो बचे हुए शक्करकंदी थे, इसे मैंने, ये जो पोटैटो मैशर होता है ना, पाव भाजी मैशर भी कहते हैं, इसकी हेल्प से बिल्कुल ही बारीक मैश कर लिया है। कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्ची और प्याज थोड़ा सा बारीक बारीक काटिएगा, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और काफ़ी सारी मात्रा में मैंने धनिया मिर्ची और प्याज लिया है। बहुत अच्छी रेसिपी मैं आपको देने वाली हूँ, आप ये ट्राई ज़रूर करना, आपको बहुत अच्छी लगने वाली है। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा, जिससे चपाती करते हैं, बिल्कुल सेम आटा छान लीजिए। आटा इतना लीजिएगा कि आपको इसको पानी से गूंदने की ज़रूरत ना पड़े। थोड़ा चिली फ्लेक्स, थोड़ा स्वाद के हिसाब से नमक, थोड़ा आखा कच्चा जीरा, धनिया का पाउडर, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा आमचूर का पाउडर और ज़रा सा हींग। ये सब डालने के बाद, हाँ, थोड़ा गरम मसाला और ऐड किया है मैंने, और आधा चम्मच, आधा या छोटी एक चम्मच बोलिए आप, ऑयल। और इसके बाद ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से रब करके नीड करना है। और इसको आपको नीड इस तरह करना है कि इसके अंदर जो सब्जियां वगैरह आपने डाली हैं, शक्करकंदी डाली है, उसी में आटा अच्छे से मिल जाए, आपको ऊपर से पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। चाहे तो आप थोड़ा आटा पहले लीजिएगा, बाद में आपको महसूस होता है तो और आटा डालिएगा। अगर बहुत ज़्यादा आपको ये गीला लग रहा है तो और आटा मिलाते जाइए, बट कोशिश कीजिएगा आपको पानी मिलाने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि पानी के कॉन्टैक्ट में आके शक्करकंदी और प्याज वो सब यू नो फैलने लगेंगे, आपको बहुत मुश्किल होगा। ये शुरुआत में देखकर ऐसा लग रहा था कि होगा ही नहीं, बट एज आई टोल्ड यू, इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं जिसका अपना मॉइस्चर है, नमक हम डाल चुके हैं, तो धीरे धीरे वर्क करते रहेंगे ना, तो वो सारी चीज़ें मॉइस्चर छोड़ेंगी और फिर आसानी से आटा लगाया जा सकता है। मैंने एज सच बहुत ज़्यादा क्लिप ये काटा नहीं है, मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको शुरू में लग सकता है कि आटा नहीं लगेगा, बट बहुत आराम से आटा लग जाता है। अगर आपको बिल्कुल ही लग रहा है कि आटा नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो आप दो चार बूंद फिर पानी डालिएगा। बट मैं अगेन कह रही हूँ, ऐसी नौबत ना आए इसलिए आप शुरू में ही आटा थोड़ा कम लीजिए, पानी नहीं डालिएगा। और आटा लगाना आपको थोड़ा सा टाइट, थोड़ा सा पराठा से भी टाइट, जैसे पूरी का आटा लगाते हैं ना, वैसा टाइट आटा आपको लगाना है। नॉर्मल पराठा नहीं बना रही हूँ मैं, आपने सिंधी कोकी का नाम सुना होगा, आप में से बहुत लोग खाते भी होंगे, उस स्टाइल का पराठा बनाने वाली हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा सख्त आटा ही चाहिए। और इसके बाद कोकी कह लीजिए या पराठा कह लीजिए, वो बनाना शुरू करेंगे। इसके लिए एक बड़ा सा डो बॉल हमको चाहिए। जो कोकी होती है ना, वो काफ़ी थिक होते हैं, वो बिल्कुल पतले पतले पराठास नहीं होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा आटा इसके लिए चाहिए। और इसके बाद एक स्मूथ बॉल बना लीजिए और फिर आपको इसको, देखिए मैं पहले इसको कैसे शेप कर रही हूँ, क्योंकि आटा कड़क है ना, ये अगर ज़्यादा ध्यान से नहीं करेंगे ना, किनारे एकदम ही फटने लगेंगे, फिर वो देखने में अच्छा नहीं लगता, उसे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, बस देखने में एकदम ही पहाड़ जैसे उठे हुए हों किनारे, तो वो अच्छे नहीं लगते। इसमें बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स हैं, इतना तो थोड़ा जो एजेस है ना किनारे, वो थोड़ा इतना तो ऐसा रहेगा, एकदम स्मूथ तो नहीं बनेगा। लुक एट द थिकनेस ऑफ द कुकी, थोड़ा सा थिक ही रखते हैं इसको, बहुत थिक भी बनाई जाती है, बट मैं बहुत ही थिक नहीं बना रही हूँ, हाँ थोड़ा सा थिक, लाइक थिकर देन नॉर्मल रोटी पराठा। इसको बेल लीजिए और इसके बाद फिर इसके ऊपर इस तरह से इंडेंटेशंस लगाए जाते हैं। ये कुकी का स्पेशलिटी है, लेकिन इसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट हो कि इसी तरह से करना है, वो नहीं है ऐसा कुछ भी। आप चाहें तो कैसे भी इसके ऊपर कट्स लगा लीजिए, कुछ लोग डायमंड शेप बनाते हैं, कुछ स्क्वायर्स बना लेते हैं, कुछ लोग तो सीधे जो पलटा होता है ना उससे इसमें मार्क्स लगा देते हैं, कुछ लोग चाकू से ऐसे गोद के भी मार्क्स लगा देते हैं। तो मार्क्स लगाना ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी थिक है ना, मार्क्स लगाएंगे तो ये अंदर तक अच्छी तरह कुक होगी, वही एक पर्पस है, एज सच कोई डिज़ाइन नहीं बनाना है। और प्यार से इसको बेल लीजिए, इसको बनाने में थोड़ा वक्त लगता है, पर बनती बड़ी मज़ेदार है, एकदम ही क्रिस्पी क्रिस्पी। आप थोड़ा आराम लेकर
टाइम लेकर बनाइएगा, इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा सीखने में क्योंकि ये थोड़ा हमने थिक रखा है। पूरा प्रोसीजर स्लो फ्लेम पे ही करती हूँ मैं, उससे ये अंदर तक सिक जाती है और जैसे अपना गुजराती भाखरी होता है ना उसी तरह का कुकी भी होता है, ये थोड़ा सा क्रिस्पी क्रिस्पी थिक थिक और सुबह के नाश्ते में बहुत ज़्यादा ही पसंद किया जाता है चाय वाय के साथ। वैसे आप इसे दही अचार चटनी किसी भी चीज़ से खा सकते हो, बट बनाइएगा ज़रूर स्लो फ्लेम पे और पहले इसे कच्चा ही दोनों तरफ से सेक लीजिए लाल लाल। देखिए मैं बिल्कुल ही स्लो फ्लेम पे अभी इसको ऐसे ही दोनों तरफ से सेक रही हूँ क्योंकि जो फैट होता है ना घी बटर या ऑयल डालते ही ये सिकना शुरू हो जाती है एंड देन उस केस में ये अंदर से कच्चा रह सकता है। और जब आप कुछ भी नहीं लगाएंगे इसके ऊपर ड्राई ही सेक रहे हैं तो फिर इसकी जो कुकिंग है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, तो इट मेक श्योर्स कि अंदर तक अच्छी तरह पक चुका है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेकर ये पका है। देखिए जिस तरह मैं ये मेरा पलटा है ना इससे इंडेंटेशन कर रही थी, आप उस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों तरफ से एक बार अच्छी तरह से स्पॉट्स आपको दिखने लगें आप अश्योर्ड हो जाएं कि ये हाफ वे डन है, इसके बाद ही आप घी बटर या ऑयल डालकर इसको सेकना शुरू करें। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी जैसे हम यूजुअली पराठा डालते ही सेकने लगते हैं फैट से, वैसे मत करिएगा क्योंकि घी बटर ऑयल डालने से एकदम ही स्पीड अप हो जाता है कुकिंग, तो उससे हो सकता है आपका जो कुकी है पराठा जो है वो उतना क्रिस्पी ना बने, शायद अंदर तक अच्छी तरह से ना सिके, इसलिए थोड़ा सा इसको वक्त दीजिएगा। आप एंड प्रोडक्ट से खुश बहुत होने वाले हैं इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा कर इसको सीखिएगा। एंड ये देखिए मेरा पहला कुकी हो गया तैयार, एकदम ही क्रिस्पी, क्या सुगंध इसकी आ रही थी और बहुत यम्मी ये लगता है, आप जरूर ट्राई देना आपको अच्छा लगेगा। और क्योंकि इसको बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है ना तो आप इस तरह से दो तीन तवा रख सकते हो, मेरे तीनों शर्माज खाने बैठे हुए हैं इसलिए मुझे लगा एक एक इतना धीरे धीरे सेकेंगे तो उनको वेट करना पड़ेगा, इसलिए फिर मैंने यहाँ पे दूसरे बर्नर पे भी बर्तन रख दिया है और अब मैं दो दो एक साथ पका रही हूँ। और ये उन तीनों को बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद है, आप बनाइएगा आपको भी अच्छा लगेगा। शक्करकंदी का पराठा कुकी स्टाइल जिसे सर्व कर सकते हैं आप अचार चटनी दही के साथ और चाय के साथ, इसका कॉम्बिनेशन एकदम ही अमेजिंग है। गिव दिस रेसिपी अ ट्राई, यू वुड लव इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।